हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। पिछले क्लास में आपको बताए थे राष्ट्रवाद वगैरह के बारे में और फिर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे प्रबल हो रहा था। फिर हम ये भी समझे थे कि किस प्रकार वियना जो व्यवस्था था, जो मेटर्निक के मेजबानी में किया गया था वियना व्यवस्था, किस प्रकार वहाँ राष्ट्रीयता के भावना को दबाने का प्रयास किया। और हम पिछले क्लास में ही आपको समझा चुके थे इन सारे चीज़ों को, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएंगे। 1815 ईस्वी की बात है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन किया गया था और ये जो वियना सम्मेलन है इसका मेजबानी दैट मीन्स इसकी अध्यक्षता, इसका नेतृत्व जो है मेटर्निक के द्वारा किया जा रहा था। और ये जो मेटर्निक हैं ये ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम है, यानी ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मेटर्निक, और इन्होंने ही वियना सम्मेलन जो है 1815 में किया। और देखिए, ये जो वियना सम्मेलन है इसके दो प्रमुख उद्देश्य है, यानी ये दो उद्देश्य से वियना सम्मेलन को किया गया था, ये हम पहले क्लास में समझाएं आपको। पहला उद्देश्य था कि जो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही थी, या राष्ट्रवाद की भावना को दबाया जाए, यानी राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का प्रयास किया जाए, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होने दिया जाए, ये इसका पहला पर्पस था। और दूसरा इसका उद्देश्य था फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को अपनाना, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को अपनाना। आप सबको पता है कि फ्रांस में बहुत पहले जो है राजतांत्रिक शासन व्यवस्था ही था, वहाँ पे वुर्वो वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1789 ईस्वी में एक बहुत बड़ी क्रांति जो है फ्रांस में किया गया, और इस क्रांति के फलस्वरूप, इस क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां, ठीक है, और इस क्रांति के फलस्वरूप इस लुई 16वां को गद्दी छोड़ना पड़ा था। और इस क्रांति की सफलता के बाद फ्रांस लोकतांत्रिक देश स्थापित करने में सक्षम हुआ था, सफल हुआ था। लेकिन अब यहाँ वियना व्यवस्था ये चाह रहा था कि फ्रांस में फिर से पुरातन व्यवस्था को अपन थोपा जाए, क्योंकि जब इसमें लोकतंत्र यहाँ रहेगा तो इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखकर और यूरोप महादेश के जो अन्य छोटे छोटे देश है वे सभी लोकतांत्रिक होने की मांग करेंगे, और हमारा जो अन्य छोटे छोटे देशों पर आक्रमण है, अधिकार है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, यह पर्पस था। तो देखिए, अब यहाँ इसी उद्देश्य से फ्रांस पे दबाव बनाया गया कुछ शक्तिशाली देशों के द्वारा, और यहाँ से फ्रांस पर से लोकतंत्र का अंत करके, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ समाप्त करके, और यहाँ से यहाँ एक बार फिर से, यानी एक बार पुनः जो है यहाँ वुर्वो राजवंश को गद्दी सौंपा गया, यानी फ्रांस में अब क्या हुआ, एक बार फिर से वुर्वो राजवंश को गद्दी सौंपा गया, और ये जो राजवंश है, ये जो एम्पायर है, इसका शासक जो है सबसे पहले फ्रांस में 1815 ईस्वी में ही ये काम हुआ, तो 1815 ईस्वी में वहाँ का शासक बनाया गया लुई 18वां को, लुई 18वां जो है वहाँ का शासक बना। अब देखिए, ये जो लुई 18वां था ये काफ़ी, मतलब फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा, वह देखा कि फ्रांस की स्थिति अभी सही नहीं है, और यही रीजन है कि लुई 18वां जो है समान नागरिक संहिता कानून जो है वह पारित किया। और ये जो समान नागरिक संहिता का कानून है इसमें सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखने की बात कही गई, और साथ ही साथ लुई 18वां जो है यह संवैधानिक घोषणा पत्र भी लागू किया, संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया, और इसके अंतर्गत यह जो है उदारवादी और जो प्रतिक्रियावादी, यानी जो लोकतंत्र के विरोधी लोग थे और फिर जो उदारवादी नेताएं थे उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया, यानी ये चाहता था कि फ्रांस में विकास ही हो, फ्रांस में सुधारात्मक कार्य ही चाहता था। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद लुई 18वां के स्थान पर अब राजा बना चार्ल्स टेन, शासक कौन बना, फ्रांस का नया शासक बना लुई 18वां के जगह पे चार्ल्स टेन, यानी चार्ल्स दसम जो है, दसवीं, यह जो है वहाँ का शासक बना। और चार्ल्स टेन जो था, चार्ल्स टेन यह काफ़ी निरंकुश कहने का मतलब ये काफ़ी जो है निर्दयी शासक था, और निर्दयी शासक के साथ साथ ये बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक भी था, यह फ्रांस में किसी भी तरह का विकास नहीं चाहता था, फ्रांस के हर एक सुधारात्मक कार्य का ये विरोध करता था।
और आपको बता दें कि चार्ल्स स्टेन जो था ये मेनली फ्रांस के लोगों में जो राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, मतलब अपने देश के प्रति जो सोच उत्पन्न हो रही थी राष्ट्रीयता की भावना को, यह दबाने का भरसक पूरा प्रयास करता था राष्ट्रीयता के भावना को दबाने का, और साथ ही साथ ये जो है लोकतांत्रिक भावनाओं को भी दबाने की पूरी कोशिश करता था, यानी लोकतांत्रिक भावना का भी ये विरोध करता था। अब देखिए चार्ल्स स्टेन जो है ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, चार्ल्स स्टेन एक शासक था, राजा का नाम है, और ये अपना प्रधानमंत्री बनाया एक बड़ा ही, अब देखिए ये तो खुद प्रतिक्रियावादी नेता है, निरंकुश है, निर्दयी है, और ये अपने से भी ज्यादा यानी आप कह सकते हैं घोर प्रतिक्रियावादी, बहुत ही अधिक प्रतिक्रियावादी नेता को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और इसका प्रधानमंत्री बना कौन, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोलिग्निक, जो काफी प्रतिक्रियावादी था, तो पोलिग्निक को ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और पोलिग्निक जैसे ही प्रधानमंत्री बना, यह सबसे पहले ये जो लागू किया गया था समान नागरिक संहिता लुई 18वां के द्वारा, समान नागरिक संहिता, इस समान नागरिक संहिता का अंत कर दिया, यानी समान नागरिक संहिता को समाप्त करके और इसके जगह पे लागू किया शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया ये। और देखिए शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का मतलब क्या हुआ, इसमें शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया, और ये शक्तिशाली मतलब जो फ्रांस में शक्तिशाली वर्ग के लोग थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जिसके पास पावर था, जिसके पास पैसा था, उन वर्ग के लोगों मतलब शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दिया। अब ये सारे नागरिकों को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये वहां के जो शक्तिशाली लोग थे उन्हें ही अब विशेष अधिकार मतलब देना जो है यह शुरू किया चार्ल्स स्टेन का, जो प्रधानमंत्री था पोलिग्निक, इसके द्वारा ही यह नीति अपनाया गया था। और अब जो है फ्रांस में शक्तिशाली वर्ग को विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया गया। अब लेकिन देखिए जब इतना सारा चीज फ्रांस में घटित हो रहा है तो फ्रांस की जनता भी तो चुप बैठने वाली नहीं है, तो इतनी सारी घटनाओं को देखते हुए कि फ्रांस की स्थिति भी दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, फ्रांस का राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब बिगड़ती चली जा रही है, और यहाँ के जो शासक थे वो तो निरंकुश थे ही, प्रधानमंत्री भी आया तो वो भी मतलब इस निरंकुशता और प्रतिक्रियावादी गुणों को काफ़ी अधिक बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते अब होना क्या था, फ्रांस की जनता आखिरकार एक क्रांति शुरू कर ही दी, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब अपने ही देश में अपने ही राजा के विरुद्ध युद्ध हम शुरू कर दें तो उसको गृह युद्ध तो बोलेंगे हम, तो एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई फ्रांस में। और यह जो गृह युद्ध है इसकी शुरुआत हुआ 28 जून 1830 ईस्वी को, 28 जून 1830 को शुरू हुआ। तो देखिए जून का लगभग अंतिम महीना है, तो यह युद्ध जो है मेनली जुलाई महीने में ही होगा, और यही कारण है कि चार्ल्स स्टेन के विरुद्ध किया गया जो यह आंदोलन था, किया गया जो क्रांति था, इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जुलाई की क्रांति भी लिखा हुआ मिल सकता है, या जुलाई 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है। यहां से बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट होता है, बहुत सारे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या मे बी लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन पूछ दे कि जुलाई 1830 की क्रांति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। यहां से देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वियना व्यवस्था ने फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना किया, वुर्वो राजवंश का। वुर्वो राजवंश का सबसे पहला शासक वियना व्यवस्था के तहत किसको बनाया गया, लुई 18वां को। समान नागरिक संहिता को किसने लागू किया, लुई 18वां ने। संवैधानिक घोषणा पत्र किसने जारी किया, लुई 18वां। जुलाई 1830 की क्रांति किस राजा के विरुद्ध हुआ, चार्ल्स स्टेन के विरुद्ध हुआ। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि चार्ल्स स्टेन अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया, किसको, पोलिग्निक को। पोलिग्निक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर किसका स्थापना किया, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का। पोलिग्निक और चार्ल्स स्टेन ने फ्रांस के किस वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दिया, शक्तिशाली वर्ग के लोगों को। तो इस प्रकार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्रिएट होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है। तो आइए आप कॉपी में कैसे नोट करेंगे, आपको यह चीज भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जुलाई 1830 की क्रांति, और इसमें नीचे जो है आपको सबसे पहले लिखना है कि वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में
एक बार फिर से 1815 ईस्वी में वुर्वो राजवंश का स्थापना किया गया और इसका प्रथम शासक 1815 में लुई 18वां को बनाया गया। लेकिन लुई 18वां फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और उन्होंने फ्रांस में समान नागरिक संहिता को लागू किया तथा साथ ही साथ संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किए और वह फ्रांस में सुधारात्मक कार्य चाहते थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लुईस 18वां के बाद फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना, लेकिन चार्ल्स टेन जो है काफ़ी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। वह फ्रांस में किसी भी प्रकार का विकास नहीं चाहता था और वह जो है काफ़ी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी के होने के साथ साथ तो मतलब किसी भी प्रकार का राष्ट्रवादी कार्य नहीं चाहता था और वो बिल्कुल राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवादी विचारधाराओं का विरोधी था। तो आप लिख सकते हैं कि वह राष्ट्रीयता की भावना और लोकतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का पूरा प्रयास करता था और उसने पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया जो उससे भी अधिक घोर प्रतिक्रियावादी लीडर था, नेता था। और उसने वह आते ही आते जो है लुई 18वां के द्वारा जो समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था उसको समाप्त करके और उसके स्थान पे शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया और फिर शक्तिशाली वर्ग के लोगों को विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया गया। और यही कारण यही सब कारण है इसकी निरकुंशता और मतलब गलत कार्यों के चलते फ्रांस के विकास बाधित होने के चलते वहाँ के लोगों ने चार्ल्स टेन के विरुद्ध एक क्रांति शुरू कर दी, एक आंदोलन शुरू कर दी जिसको जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। तो आप इतना लिख लेंगे और 1830 की क्रांति में फ्रांस की जनता को सफलता मिली और फिर अंततः जो है फ्रांस के शासक जो चार्ल्स टेन था उसको फ्रांस छोड़कर पलायन करना पड़ा, फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा और फ्रांस छोड़कर वह इंग्लैंड पलायन कर गए यानी इंग्लैंड भाग गया। और फिर फ्रांस में अब क्या हुआ कि वुर्वो राजवंश का वो शासक था, अब वुर्वो राजवंश का अंत हो गया, वुर्वो राजवंश को समाप्त करके और इसके स्थान पर आर्लेंस वंश की स्थापना किया गया और अब आर्लेंस वंश के द्वारा जो है यहाँ पे शासन चलाना शुरू हुआ। लेकिन ये आर्लेंस वंश भी कुछ ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आर्लेंस वंश के राजा का के विरुद्ध जो है 1848 ईस्वी में एक और क्रांति होगा और इस 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं।